जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल 26 मार्च किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। पिछले 120 दिनों से बड़े पैमाने पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। देश के आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा एक आंदोलन है। वैसे किसान आंदोलन की एक पार्श्वभूमि भारत को है। देश में 1873 को पश्चिम बंगाल में पाबना का आंदोलन हुआ था, जमींदारों के खिलाफ का आंदोलन हुआ था, केरल में मुबला आंदोलन हुआ था, महाराष्ट्र में खोती यानी किसानों का एक आंदोलन हुआ था, खोती परंपरा के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था, बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती का बिहार किसान आंदोलन हुआ था। ये सारे किसान आंदोलनों की एक पार्श्वभूमि है, मगर देश के आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में किसानों की जो मांगे है, ये मांगे अभी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और अन्य मीडिया के जरिए किसानों को जानकारी हो गई और अन्य नागरिकों को भी जानकारी हुई। बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को समर्थन भी मिला। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर ये सभाएं हुई और अन्य जगह भी अभी भी सभा चल रही है। भारत सरकार ने, जो भाजपा की जो सरकार चल रही है, उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री को सामने करके उन्होंने 11 बार मीटिंग भी ली इन किसान नेताओं के साथ, मगर 11 बार मीटिंग लेने के बावजूद भी कुछ भी हल नहीं निकला। जो कृषि बिल है वापस लेना चाहिए, ये छोटी एक मांग है। MSP लागू होना चाहिए, ये एक छोटी मांग है। मगर भाजपा सरकार में एक अहंकार है, वो उसे पीछे लेना नहीं चाहती। क्यों नहीं लेना चाहती है? क्योंकि इस देश में भाजपा सरकार को मनुस्मृति के साथ मार्केट स्मृति भी लागू करना है। ये मार्केट स्मृति यही है, अडानी अंबानी अदानी ये जो लोग हैं, इन लोगों की वर्चस्व निर्माण करना और सभी क्षेत्र में, जैसे अभी बैंकिंग का जो निजीकरण का मामला चल रहा है, LIC रेलवे सारा मामला चल रहा है, अभी कुछ दिनों के पहले बैंकों के कर्मचारियों ने हड़ताल किया, सभी मीडिया ने उसे ब्लैकआउट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है उन्हें ब्लैकआउट किया, मगर सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे वो आंदोलन दिखाई दिया, लोगों ने समझा। कल चल के इन्हीं किसानों ने, इन्हीं बैंकों के कर्मचारियों ने, रेलवे के कर्मचारियों ने भाजपा की सरकार को चुन के दिया था। आज ऐसी परिस्थिति है कि उन्हीं किसानों के विरोध में, उन्हीं बैंकों के कर्मचारियों के विरोध में, रेलवे के कर्मचारियों के विरोध में सरकार निर्णय ले रही है। पिछले 120 दिन से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में बड़े ट्विस्ट भी आए हैं, जो पहले बताया कि 11 बार चर्चा हो गई, कभी कुछ संगठनों द्वारा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेटर भी दिया गया कि हमारा कृषि बिल को समर्थन है, यानी उस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए इसके भी षड्यंत्र किए गए, किसान नेताओं को बदनाम करने का काम किया गया। 26 जनवरी 2021 को देश को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा हिंसा का मामला उस दिन हुआ, पहली बार हुआ। किसानों ने शांततापूर्वक ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे और सरकार प्रायोजित उस दिन हिंसा करने का काम किया ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, और दूसरी तरफ यही किसान का बेटा हमारे किसानों की जो खेती है वो पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम कर रहा है। इस देश में जो किसान जो जी रहा है, किस प्रकार से जी रहा है, जिसे पंजाब के किसान संपन्न हो सकते हैं, हरियाणा के किसान संपन्न हो सकते हैं, महाराष्ट्र में किसान बड़े पैमाने पे आत्महत्या कर रहे हैं, तेलंगाना में आत्महत्या कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं, ये सारी समस्या पिछले 70 साल से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये भाजपा सरकार ने बनाई है, कांग्रेस की सरकार ने भी वही काम किया और भाजपा की सरकार ने भी वही काम किया है। इसलिए कृषि सुधार जो है, ये कृषि सुधार करने का जो मामला है, ये वास्तव में हो नहीं रहा है। जो
किसानों के हालात सुधारने के लिए वैसी परिस्थिति नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को सही मायने में समझना होगा तो हमारे जो महापुरुष है, जो किसानों के धरोहर है, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने किसानों का कोड़ा एक किताब लिखी है, और इस किताब में उस समय लिखा था, 150-200 साल के पहले लिखा, कि किसानों के वास्तव में शत्रु कौन है। उन्होंने मराठी में कहा था, भटजी और सेठ जी, इसका मतलब भटजी यानी ब्राह्मण और सेठ जी यानी पूंजीपति लोग, ये किसानों के वास्तविक शत्रु है। जो सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर चर्चा हुई, इसी वजह से लोगों को जानकारी हुई कि किसानों के वास्तव में शत्रु कौन है। इसी वजह से अभी जो चुनाव होने वाला है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, और 5 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में भाजपा की सारी मशीनरी जो है उधर लगा दिया, प्रचार प्रसार करने के लगा दिया, और किसान का जो आंदोलन चल रहा है उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, जस्ट इग्नोर कर रहा है। जैसे बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, उस पर भी इग्नोर किया। उन्हें पता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और ईवीएम के जरिए हम चुनकर आ सकते हैं, उनको एक अहम हो गया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसी वजह से वो काम ऐसा कर रहे हैं। मगर किसानों ने भी, किसानों के नेताओं ने भी ठान लिया है कि हम बड़े पैमाने पे किसान आंदोलन को बढ़ाएंगे। ये बड़ा एक विद्रोह देश में चल रहा है, इसलिए कल 26 मार्च 2021 को किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मिश्रम साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक मौलाना हजरत नोमानी साहब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी पटेल साहब, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी, इन सभी नेताओं ने कल के जो भारत बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए कहा गया और बड़े पैमाने पर किसानों को न्याय मिलेगा और इस बार हम बड़े पैमाने पर न्याय दे सकते हैं और सभी लोगों ने कल के भारत बंद के आंदोलन में सफल बनाना है। इसी के साथ सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय मिल निवासी।